और भाई ऐसा प्लेटफॉर्म ट्रेन का मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा हूँ भाई। तो कसम से फ्लाइट में बैठने के लिए इतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा जितना ये ट्रेन में बैठने के लिए एक्साइटमेंट हो रहा है। मेरी सीट है ये भाई 300 की स्पीड में चल रही है और लग जरा भी नहीं रहा है। बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है, कुछ भी चीज रुक रही नहीं। देखिए क्या इतना ज्यादा इजी हो गया है भाई मक्का से मदीना आना 2 से 2.5 घंटा। तकरीबन 6.60 करोड़ लोगों को ये लेके जाएगी ट्रेन मक्का से मदीना। यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं मक्का में और मेरा यहाँ का सफ़र ख़त्म हो चुका है। तकरीबन मैं 5.5 से 6 दिन था यहाँ पर और मैंने 5 उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वक्त हो चला है चलने का मक्का से मदीना। और इससे पहले भी मक्का से मदीना गया हूँ बट मैं गया था बस से, और बट इस बार मैं जाऊँगा ट्रेन से भाई। हरम एंड फास्ट एक्सप्रेस जो बोलते हैं भाई बहुत फास्ट रहती है, तकरीबन 350 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। और मक्का से जो मदीना का डिस्टेंस है वो तकरीबन 450 किलोमीटर है, बट ये ट्रेन 2 घंटा 20 मिनट में कवर कर देगी। तो भाई सोच सकते हो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रेन है। और इसके स्टेशन वगैरह के बारे में ये सुने हैं भाई कि भाई वो एयरपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छा बना कर रखे, काफ़ी मॉडर्न है और बहुत ही अच्छे रिव्यू आए हैं भाई इस ट्रेन के। टिकट मिली है मुझे 225 रियाल की, जो कि अराउंड 5000 रुपया इंडियन रुपये में होता है। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:35 और मेरी ट्रेन है लगभग 2:20 पे, तो 40-45 मिनट बाकी है बस, लगभग पहुँची गया, 5-60 मिनट लगा। तो देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा सफ़र होता है, और होप काफ़ी अच्छा जाएगा। रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आए हैं, ट्रेन फेल है बोलते हैं भाई। तो आप सोच सकते हो भाई 450 किलोमीटर तकरीबन 2 घंटे में कवर कर देंगे भाई। हरम की आखिरी झलक देख लीजिए भाई, इंशाल्लाह बाद में ज़रूर आएंगे। देखिए सब जा रहे हैं उम्रा करके, आ रहे हैं जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं मदीना की तरफ। देखिए तो भाई हमको ट्रेन स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं हमारे मोहम्मद भाई। हेलो मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। I'm so proud when you pick you up in Uber, and I think I'm so proud today. So Mohammed also loves to travel. Thank you. He has been to Istanbul, a lot of places in Europe also. Exactly. We have very common with you. तो हम दोनों को भाई ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और पूछ रहे थे कि भाई नेक्स्ट कहाँ जाऊँ, पूछ रहे थे कि इंडोनेशिया बाली जाऊँ या फिर बैंकॉक थाईलैंड जाऊँ, तो मैं वो सारी चीज़ें बता रहा था, ऐसी बात हो रही थी। तो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर टू ट्रेन स्टेशन? जस्ट टू मिनट्स टू ट्रेन स्टेशन। ओके, तो भाई लगभग सिर्फ 2 मिनट बाकी है, आप लोगों को डायरेक्ट मैं मिलता हूँ स्टेशन पे। और लग रहा है मुझे पहुंच ही गए हैं। तो भाई देखिए पहुंच चुके हैं ट्रेन स्टेशन पे। देखिए ये ट्रेन स्टेशन है और पीछे देख सकते हो क्लॉक टावर भी दिख रहा है ये देखिए। और ये स्टेशन भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, एयरपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। कुछ कंट्री के एयरपोर्ट ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ही एडवांस और न्यू दिख रहा है। अभी भी पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, आप देख सकते हो इस तरफ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, लेकिन यार ये देखिए यार। और सामने देख सकते हो भाई क्लॉक टावर, और हम जा रहे हैं बेसमेंट में, शायद पार्किंग से जाना पड़ेगा अंदर। तो भाई एंट्री हो गई, आप देख सकते हो यार मतलब एयरपोर्ट फेल यार कसम से। ये देखिए अभी वहीं से पीछे से मैं एंटर हुआ हूँ वहाँ से, और मैं जा रहा हूँ डिपार्चर की तरफ। जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना अराइवल डिपार्चर सारा लिखा हुआ है भाई, और आप देख सकते हो यार मैं ऊपर से ऊपर जाके और दिखाता हूँ आप लोगों को। वो भाई सब ये देखिए, ये सारे प्लेन जैसे अराइवल डिपार्चर के वो भी लगा के रखे हैं। देखते हैं कहाँ से जाना है, कहाँ से डिपार्चर है। और ये मेरे हिसाब से जो ऑफलाइन टिकट बुक करना है यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ काउंटर वगैरह भी, टिकट ऑफिस भी बनी हुई है काउंटर वगैरह। तो देखते हैं हमारी ट्रेन कहाँ से आएगी, यहाँ बोर्ड भी ये पूछते हैं मोहतरमा से। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये ट्रेन है मेरी कहाँ से लेना है, तो बोले भाई अभी आधा घंटा बाकी है इस ट्रेन में, आप रुकिए। और ये ऐसा कुछ है वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया सारा कुछ आप देख सकते हो, यहाँ रुकना है। बोले जब ट्रेन आ जाएगी तब आपको बताएंगे। देखिए अभी 1:50 हो रहा है और तकरीबन मेरी ट्रेन है 2:20 में, तो रुकते हैं थोड़ा यहाँ इंतज़ार करते हैं। देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, यहाँ से हम टिकट दिखा के यहाँ जाना है प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए भाई, तो यार मेरे पीछे मैं टिकट दिखा के आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पे, और भाई ऐसा प्लेटफॉर्म ट्रेन का मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ भाई कसम से यार। सफाई वगैरह देखिए क्या ही ज़्यादा, और देखिए भाई ये रही फास्ट ट्रेन भाई, बहुत ही अलग ट्रेन है, ऐसी ट्रेन मैं कभी नहीं देखा हूँ भाई। देखिए उधर भी खड़ी हुई है सारी ट्रेन। 2:20 पे हमारी ट्रेन है और बज गए लगभग 2:04, और भाई साहब ट्रेन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे जाके। स्टेशन देखिए भाई, अब साफ़ सुथरा कितना ही ज़्यादा है यार। और ये रही हमारी ट्रेन, 2 ट्रेन खड़ी है शायद आएगी और जाएगी, देख सकते हो स्टेशन का नाम मक्का। और ये है ट्रेन भाई, जो कि काफ़ी गंदी हो गई है यार, स्टेशन वगैरह सारा एकदम साफ रखे हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी है। और भाई ऐसी डिज़ाइन में कभी नहीं देखा, क्योंकि भाई ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है इतनी फास्ट ट्रेन में ट्रैवल करने का। एक कसम से फ्लाइट में बैठने के लिए इतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा जितना ये ट्रेन में बैठने के लिए एक्साइटमेंट हो रहा है।
दो घंटे में पहुंचा देगी भाई 450 किलोमीटर, दो घंटे में 450 किलोमीटर आपको समझो कितना ज़्यादा पास है। तो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि भाई अंदर से कैसी है। और भाई इस टाइम क्राउड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी उमरा रिसेंटली चालू हुआ है, उमरा हज भी रिसेंटली चालू हुआ है, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और देख सकते हो हरमैन हाई स्पीड रेलवे जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी यार। अब जो लोग जापान गए हैं उन लोगों को ज़्यादा यूनिक लगेगी क्योंकि भाई ऐसी ट्रेन जापान में बहुत ज़्यादा चलती है। बट और थोड़ी इंजन की ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि आप उसको माइंड नहीं करना, लेकिन भाई स्टेशन वगैरह भी क्या बना के रखे ऊपर देखिए यार, ये देखिए क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा होती है तो इसलिए ऐसा टाइप का बनाते ताकि धूप वगैरह नीचे ना आए, नहीं तो भाई गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और प्लेटफॉर्म वगैरह देख सकते हो ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से तकरीबन 7 से 8 ही प्लेटफॉर्म है। और ये ऐसे कुछ डब्बे में अंदर जाके आप लोगों को मेरी सीट जहाँ पर है वो देखता हूँ, ये शायद बिजनेस क्लास है। तो भाई इसकी जो टिकट मिली है मुझे बताया आप लोगों को 225 रियाल की मिली है, और अगर आप बिजनेस क्लास बुक करते तो 325 की, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। और लेकिन इकोनॉमी और बिजनेस में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है तो इसलिए मैं इकोनॉमी ले लिया। और भाई कौन देगा 100 रियाल 2000 रुपये ज़्यादा, और देखते हैं यार। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना एक्साइटेड मैं कभी नहीं हूँ भाई, कभी नहीं हूँ। तो मैं अपना पहले टिकट देख लेता हूँ कि कौन से कोच पे हैं, कौन से किधर है। तो कोच नंबर 6 सीट नंबर 125 कोच नंबर, इकोनॉमी तो स्टार्ट हो गई यहाँ से आप देख सकते हो, कोच नंबर 6 पे जाना है। अच्छा कोच नंबर 7 ये है, ठीक है मैं अपनी सीट ढूंढता हूँ फिर आप लोगों को से मैं मिलता हूँ और बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। यार मैं थोड़ा सा आगे चले गया था, मेरा कोच है ये कोच नंबर 6। तो यार सामान वगैरह सारा मैं रख दिया हूँ अंदर और भाई जगह बिल्कुल भी खाली नहीं है भाई, 5000 की सीट है इकोनॉमी में और जगह एक भी खाली नहीं है, लिटरली एक भी जगह खाली नहीं है। आज से तकरीबन 2 से 3 महीना पहले भाई काफ़ी ज़्यादा खाली रहता था, बट अभी रिसेंटली उमरा और ये उमरा चालू हुआ है तो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और भाई पटरी के पास देखिए यार, अपने यहाँ कचरा रहता है, यहाँ बिल्कुल भी कचरा नहीं है, वो ट्रेन चल रही है वहाँ पर भी ज़रा भी कचरा नहीं है। ऐसा एक्सपेक्टेड है ऐसा मैंने इनकी वेबसाइट पर पढ़ा था विकिपीडिया पे, और वहाँ लिखा हुआ था कि भाई तकरीबन 6.60 करोड़ लोगों को ये लेके जाएगी ट्रेन मक्का से मदीना। तो अभी तो इतने लोग नहीं जाते, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि भाई ये ट्रेन में एक भी जगह खाली नहीं। और यहाँ पर वाला सिस्टम नहीं है जैसा हम होता है ना कि भाई सामान रख के बाहर निकलते हैं लोग पानी वगैरह लेने वो सब लेने, तो सारे लोग अंदर सामान रख के अपना बैठ गए हैं और मैं सिर्फ बाहर निकला तो मुझसे पूछे थे भाई बाहर क्यों निकल रहा है, मतलब भाई आदत यार इंडिया में ऐसी करते हैं। तो यार मैं दिखाने में ट्रेन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को दिखाने की, पहले ट्रेन चलने दो फिर उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। और भाई इसका रूट देख सकते हो, डेस्टिनेशन मदीना और स्टॉप कहाँ कहाँ रुकेगी देख सकते हो आप, पहले यहाँ से जिद्दा जाएगी फिर उसके बाद मदीना देख सकते हो, मक्का से फिर जिद्दा फिर जिद्दा से मदीना। तो भाई बिल्कुल टाइम से 2:20 ना, 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम ट्रेन निकल चुकी है। देखिए Dear guests, you will now hear a supplication in which Prophet Muhammad, peace be upon him, recited upon his travels. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. وإننا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا أو بھائی صاحب سپیڈ دیکھو 300 kilometers per hour بھائی 300 کی سپیڈ میں چل رہی ہے اور لگ ذرا بھی نہیں رہا ایسا لگ رہا ہے आप लोगों को कैमरे में ऐसा फील नहीं होगा लेकिन भाई बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है, कुछ भी चीज़ रुक रही नहीं है, देखिए क्या फास्ट जा रही है स्पीड, देखिए 299 300 अभी फ़िलहाल इतना चल रहा है। तो भाई ट्रेन चल पड़ी है और भाई चलते साथ तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर 300 की स्पीड हो गई है भाई, 300 किलोमीटर की स्पीड हो गई है। आप अंदर मैं दिखाता हूँ अंदर कैसा सारा माहौल है। और देखिए भाई ये है कुछ कॉमन एरिया, यहाँ से एंटर किया था मैं और ये देखिए ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है भाई, और यहाँ सारा कुछ सामान रखने के लिए ये देखिए मेरा सामान वहाँ पर रखा हुआ है, और ये सारी कुछ सीट वगैरह। मेरी सीट है ये 125 विंडो वाली। तो भाई बैठ गए हैं सीट पे, अब आप लोगों को यहाँ का पूरा दिखा देता हूँ सिस्टम कैसा है, और भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले तो यार ये खाना वगैरह आपको खाना है या फिर कुछ सामान रखते हैं तो यहाँ रख सकते हैं, और साथ में देखिए एक कप होल्डर है, यहाँ जूस वगैरह कॉफ़ी वॉफ़ी वगैरह यहाँ रख सकते हैं। और एक स्पेशल चीज़ देखिए यहाँ पर है एक डस्टबिन भी, छोटी सी डस्टबिन बनाई गई है भाई, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा, यहाँ एक ये सामान रखने के लिए जगह है। और ऊपर अगर आपको लाइट वगैरह स्पेशली चाहिए तो यहाँ से चालू भी कर सकते हैं भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट है, काफ़ी तेज़ लाइट है,
और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो चार्जिंग पॉइंट भी बने गए हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, बिल्कुल फ्लाइट जैसा, फ्लाइट से भी ज़्यादा अच्छा है। और लेग स्पेस जो है ना भाई, वो काफ़ी देख सकते हो अच्छा खासा लेग स्ट्रेच हो रहा है, और ये एक फुट रेस्ट भी दिया गया है भाई में, और ऊपर सामान रखने के लिए आप देख सकते हो, और स्क्रीन वगैरह तो आप लोगों को मैं दिखाई दिया हूँ पहले ही, ऐसा कुछ सारा सिस्टम है। और ये भी अगर आपको धूप से बचना है तो भाई, अगर आपको ये बंद करना तो बंद भी कर सकते हो, लेकिन भाई आपको तो नहीं करना है बंद। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी ठीक ठाक सिस्टम लगा भाई। टाइम हो गया 2:39 और 19 मिनट में पहुँच गए हैं जिद्दा। ये देखिए 19 मिनट के अंदर मक्का से जिद्दा 100 किलोमीटर है, पहुँच गए हैं। देखिए भाई ऐसा कुछ है वॉशरूम, उस बिल्कुल प्लेन जैसा है भाई, जैसा पुश करते हैं ना खुलता है वैसा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, मुझे यूज़ नहीं करना है फिर भी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। क्लोज हो गया तो भाई देखिए ऐसा कुछ है वॉशरूम, और काफ़ी अच्छा है भाई, एग्जैक्टली भाई प्लेन जैसा, एकदम सेम प्लेन जैसा है। ये देखिए यहाँ छोटा सा वॉश बेसिन मिलेगा आप लोगों को, और भाई टॉयलेट पेपर बराबर मिल जाएगा, और बेबी चेंजिंग टेबल भी है यहाँ पर। ये देखिए भाई बच्चे वगैरह डायपर वगैरह चेंज करना है तो भाई ये भी यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है यार, काफ़ी ठीक है यार। और यहाँ चार्जिंग प्लग भी है, पानी और सोप इधर पे, तो भाई काफ़ी ठीक ठाक वॉशरूम है, जैसे मतलब नॉर्मली ट्रेन में रहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे फ्लाइट में रहता है एग्जैक्टली सेम, और थोड़ा सा एडवांस भी है यार। बैठ के मैं ये भी नहीं बोल सकता कि व्यू इन्जॉय करते हैं, क्योंकि भाई व्यू तो है ही नहीं पूरा भाई रास्ते में, और ये देख सकते हो खाली खाली पूरा डेजर्ट पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है भाई, थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा ये ऐसा आ जा रहा है भाई, बाकी तो पूरा खाली है आप देख सकते हो, सिर्फ थोड़ी फैक्ट्री वगैरह आप देख सकते हो यही है, और भाई सिर्फ रेगिस्तान है, थोड़ी सी भेड़ बकरियाँ आ रही है, और कुछ भी नहीं है भाई, कौन सा व्यू इन्जॉय करेंगे। और स्पीड देखिए यार, और स्पीड है अभी 290 की स्पीड में चल रही है अभी गाड़ी, और ऑलमोस्ट आधा रास्ता पहुंच गया आप देख सकते हो, 296 की स्पीड है भाई। और अभी देखिए 3:28 हो रहा है, एक घंटा हो गया है चले, ऐसा लग रहा है बाहर बड़ी तेज़ बारिश आने वाली है। Arriving at our final destination. For your safety, remain in your seats until the train has come to a complete stop, and do not forget your personal belongings. तकरीबन बज गए हैं 5 और अब जाके पहुंचे हैं मदीना, क्योंकि ट्रेन रुक गई थी एक जगह। ये देखो मदीना। तो भाई देखिए ये ट्रेन है हमको जो लेके आई भाई, 2.5 घंटे में पहुंचा दी, 2.5 घंटे में भाई मक्का से मदीना पहुंचा दी। दो सफ़र के लिए भाई तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते थे अगर बाय रोड आते थे तो, भाई मतलब क्या ही बताऊँ, इतना सहूलियत हो गई, इतना ज़्यादा इजी हो गया है भाई मक्का से मदीना आना। 2 से 2.5 घंटा लगा है भाई, नहीं 2 घंटा 40 मिनट लगा है, उसमें से भाई 45 मिनट गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम था कुछ तो था, तो अगर वो नहीं रहता तो भाई 2 घंटे में पहुँच जाते यार, मतलब इतना फास्ट सिस्टम है मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। और ये भाई हर जो स्टेशन है ना यहाँ का, वो हर एक ही जैसा है देख सकते हो, खाली इसमें एक चेंजेस क्या है कि ये बोर्ड का जो कलर है यहाँ थोड़ा सा ग्रीनिश है, देखिए मदीना। और भाई स्टेशन तो सारे काफ़ी अच्छे थे, देखिए सिमिलर ही है, मतलब मक्का मदीना और जिद्दा तीनों जो स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, तो यार मतलब मज़ा आ गया भाई। तो अब चलते हैं बाहर से लेते हैं उबर और निकलते हैं होटल की तरफ, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को, भूख बहुत ज़्यादा लगी है भाई, फिर खाने वगैरह का क्या इंतज़ाम है, और निकलते हैं बाहर यहाँ से। ये देखिए भाई MBS का फ़ोटो बना हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान का, क्या ही प्यारा माहौल है आप देख सकते हो, मदीना की सड़कें सारे लोग जा रहे हैं जोर की नमाज़ पढ़ने, चलते हैं हम जल्दी जल्दी। और ऐसा सीन जो है वो आप लोगों को मक्का में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि सबकी जो होटलें होती हैं वो मक्का में दूर होती है, मदीना में पास होती है, तो सारे लोग जल्दी नमाज के लिए हर नमाज के लिए पहुँच जाते हैं, तो चलते हैं जोर की नमाज़ पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा ज़ियारत करवा देता हूँ। देखिए भाई पहले कैसा सिस्टम था कि यहाँ से आप डायरेक्ट एंटर हो कर सकते थे, लेकिन भाई अब पूरा बंद करके रख दिए, देखिए यहीं से आप रोज़े मुबारक यहाँ पर है, और पहले डायरेक्ट यहाँ से एंटर कर सकते थे, लेकिन अब पूरा ऐसा देख रहे हो पूरा घूम के जाना पड़ता है। और आप लोगों को मैं उम्मत खज़रा दिखा देता हूँ पहले,
भाई हो गया मुझे तकरीबन 5 दिन मदीना में, और मैं यहाँ भाई वीडियो बनाने के मकसद से नहीं आया था, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। तो अब यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा तो दिखा ही सकता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। फिर कभी और इंशाल्लाह वीडियो बनाने के उससे आएंगे तो आप लोगों को सारी ज़ियारत कराऊँगा, बट ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।